आज की रात शायद कयामत की रात होगी। मिडिल ईस्ट में जंग होने जा रही है। खबर है कि ईरान रातों रात इसराइल को नेस्त नाबूद करने जा रहा है, क्योंकि कई देशों ने 21 अगस्त तक फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। इस जंगी साजिश में ईरान के साथ हिजबुल्ला, हमास और यमन के हुती विद्रोही भी शामिल हैं। वहीं तनाव को देखते हुए अमेरिका फुल एक्शन मोड में आ गया है। इसराइल पर ईरान के संभावित हमले को लेकर लुफ्तांसा ने अपनी कई उड़ानें 21 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एरबिल के लिए 21 अगस्त तक कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। उधर अमेरिका ने भी अपना घातक जंगी बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। आशंका है कि आज रात ही जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने का आदेश दिया है। घातक 154 लैंड अटैक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस ये सबमरीन तेजी से आगे बढ़ रही है। बता दें कि यूएस जॉर्जिया अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बी है, जिसे अमेरिकी राज्य का नाम दिया गया है। इसका वजन 19,050 टन है। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन लगा है। ये लगातार 20 से 25 साल पानी के अंदर रह सकती है। पानी के भीतर इससे दुश्मन बच नहीं सकता है। सबमरीन के अलावा तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरफ आ रहा है। वहां पहले से ही यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। इसमें 14 तरह के अत्याधुनिक रडार और सेंसर्स लगे हुए हैं, जो निगरानी, जासूसी, खोजबीन, हमले से बचाव, दुश्मन की लोकेशन आदि की जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक काउंटर मेजर सुइट और एक टारपीडो काउंटर मेजर लगा है। इस पर 2 सी स्पैरो एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम लगा है। इसके अलावा 2 RIM 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें लगी हुई हैं, जो छोटी हल्की इंफ्रारेड होमिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा 2 फैलेंक्स CIWS सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, बोट, फाइटर जेट की खोज कर उन पर ऑटोमेटिकली हमला करता है। इस पर 90 फिक्स विंग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका और अन्य देश मिलकर ये प्रयास कर चुके हैं कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाए। वहीं इसराइल द्वारा हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद ईरान गुस्से में है। वो बदला लेने के लिए संभवतः आज रात ही हमला करेगा। दुनिया भर के सोशल मीडिया हैंडल्स, खास तौर से ट्विटर यानी एक्स पर ये खबरें वायरल हो रही हैं। इसराइल पर हमला करने जा रहे ईरान का साथ हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हुती विद्रोही भी देंगे, इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री ओआब गैलेंट से बात की है। साथ ही भरोसा दिलाया कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। साथ ही अमेरिका शांति फैलने से रोकने में भी मदद करेगा। पैट का कहना है कि यूएस अब्राहम लिंकन पहले एशिया पैसिफिक में था, अब वो रास्ते में है। अब जल्द ही ये इसराइल की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।